केंद्र द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों को लेकर पिछले करीब 3 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वहीं अब रेलवे संगठनों द्वारा लगातार रेलवे के हो रहे निजीकरण, पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों और लगातार महंगाई में हो रहे इजाफे को लेकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते आज पठानकोट सिटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसान संगठनों द्वारा उनका समर्थन कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ये जड़ा धरना आ सारी रेलवे दियां जिन्नियां यूनियन ना उन्हां दे नाल मिल के संयुक्त किसान मोर्चे ने भी उन्हां दी हमायत कीती आ, क्योंकि महंगाई इन्नी वध गई आ, देश दे विच निजीकरण हो गया आ, सारा ही निजीकरण हो गया, पेट्रोल डीजल गैस तुसीं देखो भी कित्थे कित्थे जिहड़ियां इहदियां कीमतां जिहड़ियां चले गईआं, जिहदे नाल हर वर्ग के उत्ते जिहड़ा उहदा जिहड़ा असर पै रहा, क्योंकि जे तेल डीजल महंगे आ भाड़े वधणगे, चीज़ां दीआं कीमतां वधणगीआं। सो गल आ, मैं अज थोड़ा जिहा इहो ही गल शार्ट च कहनी आ कि मोदी सरकार ने देश का छड्डिया ही कख नहीं, जिहदे विच रेलवे का निजीकरण हो चुका, तुहानूं पता अडानी अंबानी ने कर लिया, जिहड़ियां बंदरगाह समुंदरी बंदरगाह सी उहनां दा वी निजीकरण कर दिता गया, हवाई अड्डिया का निजीकरण कर दिता गया, BSNL का निजीकरण कर दिता गया, LIC का निजीकरण कर दिता गया, ईवन इतों तक जिहड़े बैंक सीगे जिहड़े कि बड़ी जद्दोजहद करके जिहड़े आ नैशनलाइज किए गए सीगे उहनां दा वी निजीकरण हो गया वा, बस सारिआं दा तकरीबन। सिर्फ तो सिर्फ मैनू तो कई बार मैं बड़ा सोचदा भई ये की हो रहा साडे देश दे विच, भी ये साडे देश दे राजे किस तरह दे आ भई जिहड़े सिर्फ तो सिर्फ एवें 2-4 परिवारां नूं सारा कुछ जिहड़ा दे रहे आ, बाकी जिहड़ी जनता वा इत्थे इन्नी भुखमरी पई आ, लोकां नूं अपनी लाले पए आ रोटी कमाउण दे खाण दे, पर सरकार भी चाहुंदी भी इहनां नूं इहो पासे ला के रख्या जाए, साडे वल ध्यान ही ना देण, सरकार भी चाहुंदी आ क्योंकि उलझा के रखिया वा भी इन रोटी पानी वास्ते उलझे रहन, बाकी किसी गल ही ना कर देन। सो मैं गल करदा भी ये मोदी सरकार जिहड़ी आ BJP की सरकार आ ये सोचती की आ, ये किहड़े पासे देश नूं लैके जा रही आ। दूसरी गल एक मैं बड़ी वड्डी गल तुहानूं कहण लगा, जे देश की किसानी ते मजदूरी है ना वो एक वर्ग वक्खरा ही आ, ना वो मध्य वर्ग च आउंदा ना उपरलिआं च आउंदा, वो बेचारा पिछड़िआं सारिआं थले आउंदा, जिहड़े मजदूर ते किसान आ वो सारा उपज करके सारा कुछ देश नूं बना के भी दिंदे आ, पर जेकर वो कोई एजुटेशन करदे आ, पर वेखो किड्डी वड्डी गल मैं तुहानूं दस्सण लगा, पर उहनां ते लाठीचार्ज करन वाले, उन्हां ते गोलियां चलाउण वाले, उन्हां ते सारा कुछ करन वाले भी उन्हां दे बच्चे आ, उन्हां नूं चार सफेरे वरत्या जा रहा वा भी तुसीं अपणिआं नूं आप ही मारना ते बस कोई गल नहीं, अहीं पासे रहना वा। सो ये बहुत वड्डी एक समझण दी गल आ साडे वास्ते भी ये जिहड़ी मोदी सरकार आ इहदे तों आपां छुटकारा किवें पाउणा, जिन्ना चिर के तों छुटकारा नहीं पैंदा उन्हां चिर तक साडे देश दी हालत नहीं सुधर सकदी। सो जय जनता, जय भारत, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, रेलवे यूनियन जिंदाबाद। असीं रखिया अपना मीटिंग रखी है ये निजीकरण के विरोध के बीच रखिया, कामरेड ने हुणे हुणे तुहाडे नाल गल कीती है कि सरकार जिहड़ी है ये हर एक पक्षों जिहड़ी है रेलवे नूं निजीकरण हत्था दे विच बेचन जा रही है, और उहदा जिहड़ा विरोध किसान संस्था भी साडे नाल सहयोग कर रही है। आज असीं रेलवे वालों उन्हां दा सहयोग करदे हुए आज असीं निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, और ट्रेड यूनियन जिहड़ी है नॉर्दन रेलवे मैनस यूनियन इहदा सपोर्ट करदी है, और इहदे नाल जिहड़ी है अज निजीकरण नूं रोकण वास्ते रेल वालों आज किसान जथेबंदियों के नाल असीं सहयोग करदे पे। साथी ने दस्सिया जिद्दां BSNL भी बेच दिता, रेलवे भी बेच दिता, रेलवे सारी की सारी रेलवे जिहड़ी है बेचण नूं सरकार जा रही है, ये जथेबंदियां आ गए। सानू आस भी है कि जदों रेलवे का निजीकरण करनगे तो साथी भी साढ़े नाल मोढ़े नाल मोढ़े लगा के चलनगे, रेल नूं बचाने वास्ते असी कोशिश करते पे, संस्था भी जिहड़ी है ये कोशिश करती पई है। इन्ना कहिंदा जय जनता जी।